गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि कॉपी कलम निकालकर मेरे साथ तब तक से बने रहे, मेरे साथ वीडियो के माध्यम से तब तक बने रहे जब तक से परिपूर्ण रूप से हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन न करें। तो चलिए तैयार हो जाएं हौसले के साथ, क्योंकि बार बार कहते हैं कि अरे उड़ने की तमन्ना दिल में है तो हवा का झोंका हम देंगे। अगर उड़ने की तमन्ना दिल में है तो हवा का झोंका हम देंगे। अगर मैथ सीखने की जज्बा आप सभी में है तो सीखने का मौका हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। तो चलिए आप लोगों को हम समय का विलंब न करते हुए आप लोगों का चैप्टर का सोल्यूशन कर रहे हैं, और पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं, उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि अगर ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा तो 4.1 में कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए तो देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न सारणी का मान ज्ञात करें। इसे पिछला वीडियो में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दो ऑर्डर का भी और तीन ऑर्डर का भी केस किया था, दो ऑर्डर का भी किया था और तीन ऑर्डर का भी, कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है। अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में अच्छा से नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिएगा तो पहले का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो आज और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आज भी जिक्र कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था कि डिटरमिनेंट जब दो ऑर्डर का दिया रहेगा कुछ नहीं करना है, तिरछिया देना है। क्या करना है? तिरछिया देना है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा, ध्यान देना है बाबू। क्या बताया था कि तिरछिया देना है, तो 2 × -1। फिर बताया था कि घटाते हैं तो फिर क्या होगा, माइनस, और चिन्ह भी पहले से है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 4। अब हल कर दीजिए, -2 अपश्यव का 20, यानी घटाएंगे 20 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 18। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 × 2 = 2, -2 और फिर हो जाएगा क्या, 5 × 20, माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना है, अगर डायरेक्ट भी करना होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या एक बार हम लिख दिया कि 2 से -1 से गुणा करें तो 2 × -1 और फिर -5 × -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं -5 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 20 में से 2 की 18। चलिए दूसरा सोल्यूशन देखिए, सेम तिरछिया दीजिए, कॉस कॉस ने गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है और घटाते भी हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब 10 क्लास में कंसेप्ट दिया गया था 11 में भी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कुछ नहीं करना है, पहले वाला गुणा करने के बाद दूसरा वाला मल्टीप्लाई को घटा देना है, तो देखिए चिन्ह माइनस या फिर घटाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में भी देखिए क्या बोल रहे हैं, तिरछिया ये तो क्या हो जाएगा, देखिए x² − x + 1 × x + 1 × x + 1 × x - 1। अब देखिए इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, इसमें देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को उठाएंगे पारा पारी दोनों के साथ करेंगे,
तो x स्क्वायर को x के साथ करेंगे, x की क्योंकि डबल है कुछ नहीं तो वन है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। x स्क्वायर को x से करेंगे x की, फिर x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की सेवा खत्म, और माइनस x की बारी, तो कुछ नहीं तो पावर 1 है, माइनस x माइनस से, माइनस x को x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और x x ले करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस x को 1 से करेंगे तो माइनस x, माइनस x की भी सेवा खत्म। अब 1 की बारी, 1 को x से करेंगे तो x, और 1 को 1 से करेंगे 1। अब इधर देखिए बाबू, इधर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगल प्लस बगल इंटू अगल माइनस बगल बराबर अगल का स्क्वायर माइनस बगल का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो हो जाएगा, ध्यान दे, एक्स स्क्वायर चल बसा, एक्स से एक्स चल बसा, अब बचा का एक्स क्यूब, फिर क्या बचा, प्लस वन, माइनस को गुणा करेंगे प्लस के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए एक्स क्यूब अब माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो एक दो हो, यही का हो गया आंसर। तो चलिए इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना है, यदि a बराबर मैट्रिसेस 1 2 4 2 हो तो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करें कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इनटू डिटरमिनेंट, यानी इतना बराबर इतना, कब, जब a का मान इतना दिया है। देखिए a का जो फॉर्म दिया मैट्रिक्स फॉर्म है, हमको प्रूव करना है डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का चाइल्ड है, बच्चा है, मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट उसी का संभव होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि दो रो और दो कॉलम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ध्यान से देखना है, क्लियर समझ में आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बेहतर आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक। सबसे पहले इट इज गिवन दैट, दिया गया ए इक्वल टू 1 2 1 2 4 2, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी 2 हो जाएगा। मैट्रिक्स में बताया था कि किसी भी राशि से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स में, तो 2 को 1 से करेंगे 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, और फिर 2 को 4 से करेंगे 8, फिर 2 को 2 से करेंगे 4। थोड़ा ध्यान देना, नियम बताया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी राशि से गुणा किया जाता है तो उसके सभी सदस्य में, तो 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को 2 से करेंगे 2 गुना 4, और 2 को 4 से करेंगे 4 गुना, और 2 को 2 से करेंगे 4। अब देखिए 2a का मान निकल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब LHS की तरफ चलेंगे, LHS में दिया है बाबू मापांक 2a, डिटरमिनेंट 2a, तो देखिए बाबू 2a का मान रख देंगे कितना, 2 4 8 4, ओके। अब तिरछाई है, 2 को 4 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 को 4 से करेंगे 8 चौका 32। अब देखिए 8 में से 32 को घटाएंगे -24, ओके। अब किधर चलेंगे बाबू, RHS की तरफ, RHS में क्या दिया है, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो चलिए 4 तो ठीक है, अब a का मान बोलिए कितना है, 1 2, फिर क्या है 4 2, अब हल कीजिए 4 2, 2 को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 4 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए 4 इंटू 2 में से 8 को घटाएंगे -1, 4 6 24, देखिए -24 -1,
इसलिए क्या हो गया LHS बराबर RHS क्या हो गया रूट। कोई दिक्कत? एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि A बराबर मैट्रिसेस 1 2 4 2 हो तो सिद्ध करें कि डिटरमिनेंट ऑफ 2A बराबर 4 इनटू डिटरमिनेंट। क्या किया? जो दिया गया था सबसे पहले उसको लिख लिया, इट इज गिवन दैट, मतलब दिया गया है A बराबर। अब हमको प्रूफ में डिटरमिनेंट 2A चाहिए था तो सबसे पहले मैंने 2A निकाल लिया, 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 को 4 से किया, 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4। अब LHS में दिया था डिटरमिनेंट ऑफ 2A, अब 2A का मान रख दिया, हल कर दिया माइनस 4। फिर RHS में दिया है 4 इनटू डिटरमिनेंट है, ठीक। अब देखिए A का मान रख दिया, क्रॉस करेंगे तो 2 को 1 से 2, 4 को 2 से करेंगे, ठीक। फिर देखिए 2 में से 4 कटेंगे माइनस 6, माइनस 6 को 4 से करेंगे माइनस 24, माइनस 24 माइनस 6 यानी LHS बराबर का हुआ RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, अंतर क्या है कि 2 ऑर्डर का है ये 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का भी हम कांसेप्ट बता दिया है कि 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अगर जिनको क्लियर भी नहीं हुआ होगा तो अगला क्वेश्चन सेम यही है 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन, तो जैसे ही 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम तीसरा की तरह का हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए 5 का फर्स्ट यानी 5 में भी वही बात बोला गया है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अंतर क्या है कि पहला क्वेश्चन 2 ऑर्डर का था और ये कितना ऑर्डर का दिया है 3 ऑर्डर का। देख लीजिए 3 रो है 3 कलम है, 3 रो है 3 कलम है, 3 रो है 3 कलम है, 3 रो है 3 कलम है। इसका भी कांसेप्ट मैंने बता दिया था पहला वीडियो में, अगर जिन बच्चों का समझ में नहीं आया होगा ध्यान से देखिए आज क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर कंसेप्ट में समझ में नहीं आया होगा तो क्लियर हो जाएगा। सेम देखिए एक ही जैसा है, इसमें हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे और 2 क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से बनाना होगा। तो चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा, 5 का 1 का फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक। देखिए यहीं पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, समय की बचत होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान, मैंने बताया था बाबू कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कलम, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर के हल करेंगे तो मान में कोई अंतर ना होगा, ठीक है। आप फर्स्ट रो को भी लेकर हल कर सकते हैं, सेकंड रो को भी लेकर चल सकते हैं, थर्ड रो को भी लेकर चल सकते हैं, फर्स्ट कलम को भी, सेकंड कलम को भी, थर्ड कलम को, यानी किसी के साथ लेकर हल कीजिएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। यहां तक हम प्रूफ करके दिखाए अभी तक फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम फर्स्ट रो को ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो को ले रहे हैं। तो फर्स्ट रो में ध्यान देना है बाबू, देखिए चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, चिन्ह बताया था प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले हम 3 को लेंगे, तो जैसे ही 3 को लेंगे ना तो 3 के आमने सामने वाला डिलीट हो जाएगा, 3 का जो आमने सामने है, ध्यान देना 3 नहीं है ना, 3 के आमने सामने वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा, तो क्या दिखाई दिया 0 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। फिर माइनस, ओके ध्यान दीजिए, फिर से आमने सामने डिलीट, अब बचा का माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का है क्योंकि घटाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 5, लेकिन घटाएंगे तो माइनस। अब किसको लेंगे, माइनस 1 को लेंगे, चिन्ह भी माइनस होता है, माइनस दिया भी है, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 1 के आमने सामने वाला डिलीट कर दीजिए, 0 को 0 से करेंगे, ध्यान देना है क्या मिलेगा 0 मिलेगा, देखिए हमने सामने ही ना वैल्यू डिलीट करेंगे, इसको लिए थे 3 डिलीट किए थे, इसके लिए 3 डिलीट करेंगे, तो 0 को 0 से 0 और -3 -1 को 3 से करेंगे तो -3, लेकिन घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब किसको लेंगे प्लस 2, लेकिन चिन्ह दिया है माइनस, तो माइनस हमने सामने डिलीट, देखिए -5 को 0 से करेंगे 0, ये भी हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू
तीन तो ठीक है, जीरो में से पांच घटाएंगे माइनस पांच, वन भी ठीक है, जीरो में तीन जोड़ेंगे तीन, और माइनस दो भी ठीक है, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो। अब हल कीजिए, पचती आई पंद्रह फिर तीन, दो को जीरो से करेंगे जीरो, तो पंद्रह में से तीन यानी तीन में से पंद्रह घटाएंगे माइनस बारह, क्या हुआ आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, अब हम आर टू को लेकर हल कर रहे हैं, देखिएगा फिर से एक बार, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब हम किसको लेकर चल रहे हैं, आर टू को। अब इस शुरू में किसको लिया था, आर वन को, अब आर टू को ले रहे हैं। देखिए आर टू ये है ना, ध्यान दीजिएगा, अब आर टू को ले रहे हैं, एक बार फिर से आर टू को ले रहे हैं। तो आर टू में भी चिंता होता है कि प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, तो माइनस जीरो के लेंगे तो जीरो से किसी भी राशि में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस दूसरा में भी जीरो, जीरो से किसी भी राशि में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, तो मिलेगा क्या लास्ट माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। अब वन लेंगे आमने सामने प्लेट, वन को लेंगे सॉरी, तो ये ना हुआ देखिए इसके सामने ई वाला, ई वाला डिलीट, तब पचती है पंद्रह, ठीक देखिए पचती है माइनस पंद्रह, क्योंकि देखिए माइनस है ये प्लस है, तो पचती है पंद्रह, तीन को वन से करेंगे तीन माइनस तीन, लेकिन घटाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए बाप ये जीरो मिला, ये जीरो मिला, तीन में से पंद्रह को घटाएंगे माइनस पंद्रह, यानी क्या मिला माइनस पंद्रह। देखिए तो सारणी कहता है कि सारणी के किसी भी रो या किसी भी कलम को लेकर हल करेंगे, मान में कोई अंतर ना हो, तो ये तो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ेंगे बनाने, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर उतारने में समय नहीं मिलेगा उतारने का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, दो की तरफ चलते हैं। तो इतना बात माइंड में याद रखिएगा कि आप डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कलर को लेकर हल कीजिएगा, मान में कोई अंतर ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा का सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले दिया गया सॉल्यूशन में ही से कर लेते हैं, एक बार लिखने से बच जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो, फाइव का क्वेश्चन नंबर दो का सॉल्यूशन, ठीक। चलिए फर्स्ट रो को ले रहे हैं तो थ्री को लेंगे, एक बार फिर से ध्यान से थ्री को लेंगे तो आमने सामने डिलीट, वन को वन से करेंगे क्या मिलेगा वन, थ्री को माइनस टू से करेंगे माइनस सिक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब किसको लेंगे माइनस फोर को, संकेत भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसके आमने सामने वाला डिलीट, वन को वन से करेंगे वन, दो को माइनस दो से करेंगे माइनस चार, लेकिन घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब किसको लेंगे फाइव को लेंगे, आमने सामने डिलीट, तो थ्री को वन से करेंगे थ्री और टू को वन से करेंगे टू। अब देखो बाबू यानी थ्री इंटू छ में एक जोड़ेंगे सात, ठीक, प्लस चार इंटू पांच, प्लस पांच इंटू वन। अब देखिए सत्तरी का इक्कीस, पशु का बीस पांच, अब जुड़ेंगे तो बीस बीस चालीस इकतालीस पांच छियालीस, का हुआ आंसर। जस्ट तीन भी किसी को ले लीजिएगा लेकर, क्या कर लेना है हल कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर छ, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छ, छ कह रहा है कि यदि a बराबर वन वन माइनस टू टू वन माइनस थ्री फोर फाइव फोर माइनस नाइन हो तो डिटर्मिनेंट का मान लिया। सेम क्वेश्चन मैंने बताया था कि मैट्रिक्स कोई मान नहीं देता है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या देता है, कोई मान देता है। तो चलिए a का मान दे दिया है, डिटर्मिनेंट a का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर छह,
सबसे पहले it is given that दिया गया है a equal to 1 minus 2 1 minus 3 और 5 4 minus 9 ओके निकालना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटरमिनेंट है थोड़ा ध्यान देना है बाबू अब जो मैट्रिसेस का सिंबल था उसको अब डिटरमिनेंट लिखेंगे 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9 ओके तो मैंने बताया कि डिटरमिनेंट के प्रश्न को हल करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कलम का ले सकते हैं ठीक तो सिंबल क्या होता है प्लस माइनस प्लस ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम 1 को लेंगे तो 1 में देखिए आमने सामने वैल्यू डिलीट 9 को -1 -9 को 1 से करेंगे 9 4 को 3 से चलती है 12 माइनस माइनस प्लस सेम वही बात वही पिछली बात अब किसके लेंगे 1 को -1 आमने सामने डिलीट 9 गुना 18 ठीक अब बचती है 15 माइनस माइनस प्लस अब किसको लेंगे माइनस टू प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस आमने सामने डिलीट 4 गुना 8 माइनस 5 ओके अब देखिए 1 ठीक इनटू 9 यानी 12 में से 9 घटाएंगे 3 माइनस 1 इनटू 15 में से 18 घटेंगे माइनस 3 माइनस 2 इनटू 8 में से 5 गया 3 अब हल कीजिए ठीक है ध्यान दीजिए चलिए इसका हम इधर देखते हैं 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3 अब माइनस 1 को माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस 3 अब माइनस 2 को 3 से करेंगे 3 दूना 6 3 3 6 माइनस 6 ठीक कट कर क्या मिला 0 यही क्या हो गया आंसर आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 7 देखिए साथ कह रहे कि x का मान ज्ञात करें यदि इतना बराबर इतना इतना बराबर 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चंस दिया ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट देखिए बाबू सॉल्यूशन डायरेक्ट 1 को 2 से तिरछिया दो 2 को 1 से करेंगे 2 अब 5 को 4 से पशेव का 20 और तीसरे 2 को 1 से करेंगे 2x स्क्वायर 6 को 4 से 4 छके 24 अब 2 में से 20 को घटाएंगे -18 ओके ये माइनस से बराबर किधर आएगा प्लस बच का गया 2x स्क्वायर अब देखिए 24 में से 18 को घटाएंगे क्या मिलेगा 6 बराबर 2x स्क्वायर 2 3 6 2 को 3 2 से 6 में भाग देंगे तो x स्क्वायर बराबर 3 तो इसीलिए x बराबर जब स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रुटिया जाएगा मेरे रुटिया ठीक अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जस्ट देखिए 2 सेम यही बात है तिरछिया ये सॉल्यूशन 2 5 को 2 से 5 दूना 10 4 को 3 से चलती है 12 फिर देखिए 5 को 1 से करेंगे 5x 2 को 2x को 3 से करेंगे 3 दूना 6 ठीक अब 10 में से 12 गया माइनस 2 अब 5x में से 6 को x घटाएंगे माइनस x माइनस से माइनस इसलिए x बराबर क्या मिला सेम कुछ नहीं करना है ऑर्डर का कुछ नहीं बताएंगे तिरछा तिरछी करके घटाते जाते हैं तो 2 को 5 से 5 दूना 10 फिर 4 को 3 से चलती है बात फिर x को 5 से 5x ठीक है इसी तरह से करना है अब फिर इसका वो घटा देना है 2x को 3 से 3 दूना 6x 10 में से 12 घटाएंगे माइनस 2 5x में से 6x घटाएंगे माइनस x माइनस से माइनस कर देंगे x
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला। 8 नंबर भी क्वेश्चन यही बोला है कि यदि डिटरमिनेंट x 2 18 x 2 18 x बराबर 6 2 18 6 हो तो x का मान बराबर होगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है, एग्जाम में पूछने का ज्यादा चांस बनता है। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इट इज गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है, x को x से करेंगे, सॉरी पहले पर लिख लेते हैं, यानी x2 18x इक्वल टू 6 2 18 6। चलिए दिया गया है, हल कीजिए, x को x से करेंगे x स्क्वायर 18 × 36 6 का 36 18 × 36 36 से 36 कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस ए बराबर टू हो जाएगा प्लस, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट 36 36 का वर्गमूल 6 प्लस माइनस 6 ऑप्शन क्या मिला हमें, यही का आंसर। तो इसी के साथ ये चैप्टर का हुआ समाप्त हुआ, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।